Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umair Khan and I am presenting History of Wagh Garden. आज मैं आपको वाह मुगल बाग के बारे में बताऊंगा और इससे वाबस्तगी तारीख के बारे में भी। मुगल शहंशाहों को इस बात में कोई शक नहीं कि खूबसूरती और कुदरती हसीन वादियों और बहती हुई आबशारों से बहुत लगाव था। इसी रवायात ने उनकी इस रवायत को जन्म दिया। और शालीमार बाग लाहौर और अगर वाह मुगल बाग की भी बात करें तो ये इन दोनों की बेहतरीन मिसालें हैं। और इन दोनों की एक दूसरे में बहुत झलक नुमाया होती है। इनमें तमाम रवायती और तामीराती खसूसियात मौजूद हैं जिसके लिए मुग़ल बागात पूरे आलम में मशहूर हैं। 1580 की दिहाई में वाह का नाम जलासर होता था। तब ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुग़ल अकबर बादशाह की हुकूमत थी। अकबर बादशाह के वजीर राजा मान सिंह जो शहनशाह अकबर के बरादरी नस्बत भी रखते थे 1581 में उन्हें तैनात किया गया ताकि वो दुश्मनों को अटक पार करने से रोक सकें। ही राजा मान सिंह हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान के नामवर हसीन और खूबसूरत शहर मानसेरा का नाम भी रखा गया। 1581 से 1586 तक यहाँ रहे। तब हसन अब्दाल और जलासर आपस में मिले हुए थे और एक वादी का मंजर पेश करते थे जहाँ से अब जीटी रोड का गुजर होता है। राजा मान सिंह ने इस जगह का इंतखाब किया। यहाँ पर 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल एक बाग और खूबसूरत तालाब बनवाया जिसका आजकल वाह मुग़ल गार्डन से याद किया जाता। एक रवायत के मुताबिक मुग़ल बादशाह जहांगीर काबुल जाते हुए यहां से गुजरे तो इस जगह को देखते ही ज़बान से उन्होंने वाह निकाला। इस बात में कोई शक नहीं कि फ़ारसी उस वक्त में मुग़लियों की आम रवायती ज़बान थी और फ़ारसी में वाह हैरत का इजहार करने के लिए बोला जाता था। लिहाजा ये शहंशाह के वक्त में लिखा गया है और वही और तभी से जलासर के बजाय इसको वाह कहा गया। इस जगह का जिक्र बादशाह जहांगीर अपनी किताब में भी करते हैं कि 12 मुहर्रम 1014 हिजरी में बाबा हसन अब्दाल में क़याम किया। इस मकाम की मशरकी सिमत में एक ओस के फासले पर एक आबशार बहती है और उसका पानी बहुत तेज़ी से बहता है। राजा मांग सिंह ने एक मुख्तसर सी इमारत बनवाई और तालाब के एक चौथाई गज में मछलियाँ बाकसरत रखवाई और फिर आगे उस वक्त के तख्त नशीनी के बादशाह 1600 ने यहाँ क़याम किया और अपने मरकजी महकमे तामीरात को यहाँ बुलवाया और अमारत को असर नू तामीर कराने का हुक्म दिया। उस वक्त के मायर तामीरात अहमद मेमार लाहौरी के यहाँ के बागात महालात के नक्शे तैयार करवाए और अपनी ही निगरानी में 2 साल के अंदर मुकम्मल करवाया। बाग की तामीर के बाद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 4 दफ़ा यहाँ पर क़याम किया। इसके बाद बहुत ज़हीन रोशन ज़मीर और नेक बादशाह जहांगीर ने भी यहाँ क़याम किया और फिर अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों ने ये बाग नवाब मोहम्मद हयात खान के हवाले कर दिया जिनकी कब्र आज भी वाह गार्डन के तालाब के करीब है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।